as per section 39 subsection 1 of the Companies Act 2013, minimum subscription is the amount. मिनिमम सब्सक्रिप्शन बच्चों उस अमाउंट को कहते हैं जो स्टेटेड की जो दिखाया गया है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट पेबल एन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट स्टेटेड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन पेड एंड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट. मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस अमाउंट को कहते हैं जो प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने लिख रखा है कि आपको भाई इतने वैल्यू के शेयर्स कम से कम लेने हैं. मतलब जैसे मान लीजिए अभी बीच में एसबीआई कार्ड का शेयर आया था तो वहां पे ये था कि मिनिमम आपको 14,000 रुपए के शेयर लिखने हैं. तो ये हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. आगे देखिए क्या लिखा है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लिस्टेड कंपनी प्रिस्क्राइब्स दैट. सभी कहता है बच्चों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बच्चों सिक्योरिटीज मार्केट में वो प्रिस्क्राइब करती है कंपनी को प्रिस्क्राइब्स दैट अ कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर. अगर कंपनी चाहती है कि वो शेयर इश्यू करे तो पब्लिक के पास से उसे 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन मिलना चाहिए. मतलब अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है तो पब्लिक के पास से 9,000 शेयर के लिए कम से कम एप्लीकेशन आना चाहिए. अगर इससे कम आया तो शेयर इशू कैंसिल हो जाएगा और बच्चों सब जो भी पैसा कंपनी को मिला है एप्लीकेशन के थ्रू वो कंपनी को लौटाना पड़ेगा. मेरी बात ध्यान से सुनेगा. कंपनी का सभी का गाइडलाइन कहता है कि कंपनी जितना भी शेयर इशू करना चाहती है करे 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पब्लिक के पास से आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो इशू कैंसिल हो जाएगा. इसका सिंपल एग्जांपल है बच्चों अभी यस बैंक जो है 15,000 करोड़ का एफपीओ लेके आई थी और अगर 13,500 करोड़ से कम रुपए का अगर शेयर एप्लीकेशन आता तो बच्चों वो जो एफपीओ था यस बैंक का वो कैंसिल हो जाता और जिन लोगों ने पैसा दिया था ना एप्लीकेशन का वो रिफंड करना पड़ता यस बैंक को. बट ऐसा नहीं हुआ. यस बैंक को 95% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया पब्लिक के पास से और कंपनी को सभी की गाइडलाइंस फुलफिल करने में मदद हो गया. कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू कर दिया कंपनी को पैसा मिल गया यस बैंक को पैसा मिल गया जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है. देखिए क्या लिखा है. इनकेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड अगर 90% बच्चों एप्लीकेशन नहीं आता है तो कंपनी को इश्यू कैंसिल करना पड़ेगा और जो भी पैसा पब्लिक के पास से मिला है वो रिफंड करना पड़ेगा विद इन 50 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. जब इशू क्लोज हो रहा है उससे 15 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा. अगर उसे लेट किया तो इंटरेस्ट लगेगा बच्चों. 15 दिन के अंदर अंदर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो ये एक स्ट्रिंजेंट ये बच्चों एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में. और ये कहती है गाइडलाइन कि जो भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 90% एप्लीकेशन तो आना चाहिए. ज्यादा चलेगा कोई बात नहीं. ज्यादा एप्लीकेशन आता है कोई बात नहीं है चलेगा. बट 90% से कम एप्लीकेशन कभी भी नहीं आना चाहिए. ये सभी की गाइडलाइंस है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में याद रखना. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उस एक्सपेंसेस को कहते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने के रिलेटेड इनिशियल लेवल पे लगाए जाते हैं. इनिशियल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में शुरुआत में जो आपने पैसे खर्च किए कंपनी को रजिस्टर्ड करने के इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कंपनी का जो लीगल मैटर्स है उसको सुलझाने के लिए मतलब लीगल जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए पब्लिक इशू के लिए ये सब के लिए जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो बच्चों इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है. और देखिए क्या लिखा है. दीज एक्सपेंस मे बी रिटर्न ऑफ और इस एक्सपेंस को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है. अब बच्चों ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है आगे चल के हम पढ़ेंगे. बस अब आप अभी आप फिलहाल इतना ही याद रखिए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहते हैं जो बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड कंपनी ने खर्च किए हैं शुरुआत में. बात समझ गए हमारी.
मीनिंग ऑफ शेयर। इसमें लिखिएगा द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशंस, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशन, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशंस, DENOMINATIONS, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशंस नोन एज शेयर, नोन एज शेयर या कॉल्ड एज शेयर, कॉल्ड एज शेयर। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल डिनोमिनेशंस नोन एज शेयर या कॉल्ड एज शेयर। The capital of a company is divided into small denomination known as share, called as share. And आगे लिखेगा and the person who hold this share, and the person who hold this share, and the person who hold this share, and the person who hold this share called as shareholder. Called as shareholder, the person who hold this share called as shareholder, called as shareholder, full stop. So बच्चों जो कंपनी का जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको शेयर कहते हैं, एक हिस्से को जो है वो शेयर कह रहे हैं हम लोग। और वो आदमी जो उस शेयर को, उस हिस्से को होल्ड करता है, दैट इज शेयर होल्डर कहलाता है। बच्चों समझ में आ गया? कमान बोलिए जल्दी से। काइंड्स ऑफ शेयर।